हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एक विमीय आयताकार विभव प्राचीर में जो कोई कण है उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इच्छित सम्मत यांत्रिकी के अनुसार जब कोई कण इज लेस देन वी जीरो, यानी कि जो कण की ऊर्जा है वो उसके विभव से कम है, तो वो जो वी जीरो की जो विभव प्राचीर होगी, जैसे कि ये वी जीरो की मैंने दिखाई है, तो उसको वो पार नहीं कर पाएगी। लेकिन हमने क्वांटम यांत्रिकी में ये देखा, यदि इज लेस देन वी जीरो है तब भी जो ऊर्जा का कण है इस जो प्राचीर है इसको पार कर सकता है। यानी कि ये देखा गया कि जो v0 माइनस v है, यानी और जो प्राचीर की मोटाई कम है, तो जो हमारी वेधन क्षमता है कण की, यानी कि इसको पार करने की जो क्षमता है उसका मान अधिक होता था। तो ये जो इज लेस देन वी जीरो विभव वाला जो कण है और जो प्राचीर को भेदने की जो घटना होती है उसे हम सुरंग प्रभाव या ट्यूनल इफेक्ट कहते हैं। तो यहां मैं एक विमीय आयताकार विभव प्राचीर में मान रहा हूं कि जो कण की स्थितिज ऊर्जा है जब कण एक्स इज लेस देन जीरो, यहां है एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, जो इसकी और x इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये मैंने तीन क्षेत्र में इसको डिवाइड कर लिया। जो फर्स्ट कंडीशन है कि जो इसकी स्थिति ऊर्जा या विभव है v = 0 होगा जब कण x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन a के बीच में है। यानी कि इस तरह से तीन क्षेत्र बन जाते हैं और v = 0 इक्वल टू, यानी कि जब कण 0 और a के बीच में है, यानी कि जो विभव प्राचीर होगी मेरी वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के मध्य होगी, ये विभव प्राचीर है। तो देखिए, ये हमने जो क्षेत्र बनाया है इन तीनों क्षेत्रों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आती है, फर्स्ट क्षेत्र के लिए जब कण x इज लेस देन वाला फर्स्ट क्षेत्र था, तो डेल टू जो तृतीय क्षेत्र है उसमें कण की एनर्जी ई है, तो ये इक्वेशन मेरे पास ई आएगी। अब इनके हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो साई वन के लिए आता है e की पावर या फिर e एक्सपोनेंशियल आई के वन एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के वन एक्स इक्वेशन वन दे देते हैं। साई सेकंड के लिए c एक्सपोनेंशियल आई के टू एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस आई, इसे आयोटा बोल सकते हैं, आयोटा के टू एक्स इक्वेशन टू। साई थर्ड e0 एक्सपोनेंशियल i k1 x प्लस f0 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1 x इक्वेशन थर्ड आ जाती है। अब जो यहां से k1 जो मेरा कांस्टेंट है उसका मान आता है रूट टू एम ई अपॉन एस क्रॉस, और k2 का मान आता है रूट टू एम ई माइनस v0 अपॉन एस क्रॉस। और जो ए बी सी डी और e0 f0 स्थिरांक है, अब यदि हमने यहां से ये देखा कि पीछे लेता हूं मैं इसको, ये जो सामान्य हल है तो उसमें जो इक्वेशन वन टू थ्री है इसके जो प्रथम पद हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय ए सी ये वाले जो पद हैं ये
जो तीनों क्षेत्रों में एक्स एक्स की ओर आपतित तरंग को व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा जो ये द्वितीय पद हैं, ये वाले, ये ऋणात्मक एक्स एक्स की ओर लौटने वाली तरंग, यानी कि जो एसांतरित परावर्तित तरंग है उसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये जो तृतीय क्वेश्चन है, इसमें कि तृतीय क्षेत्र एसांतरित नहीं होता, तो इसमें जो एफ गुणांक है उसको हम जीरो मान लेते हैं, तो ये मेरे पास कोरोल इक्वेशन हो जाती है, साइड इक्वल टू ई जीरो एक्सपोनेंशियल आई के वन एक्स इक्वेशन फोर हो जाती है। अब इसके लिए हम वापिस से डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो विभव प्राचीर x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए के बीच में है, तो इसमें जो विभव का मान होगा v इक्वल टू v जीरो होगा, और जो ये दोनों कंडीशन है इसमें v जीरो v इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ जो कण की ऊर्जा है वो इज लेस देन v जीरो होगी। तो अब देखिए जो साई और डेल साई अपन डेल एक्स दोनों सीमाओं के मध्य संतर होना चाहिए, तो इसके लिए x इक्वल टू जीरो होगा, तो साई जो साई का फलन है साई वन का वो साई सेकंड के इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो ये भी कंडीशन होनी चाहिए डी साई वन अपन में डी एक्स इक्वल टू डी साई टू अपन में डी एक्स, यानी इन दोनों का अवकलन भी इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसमें यदि मैं कंडीशन लगा दूँ कि जो साई वन है वो जीरो हो, तो साई वन साई सेकंड के इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही जब एक्स इक्वल टू वन होगा तो भी जो दोनों तरंग फलन है साई सेकंड और साई थर्ड इक्वल होने चाहिए, इक्वेशन सेवन दे देते हैं, और अगर ऐसा है तो इन दोनों के जो अवकलन है वो भी समान होने चाहिए। अब ये जो कण की ऊर्जा है ई, इसको यदि हम वी जीरो से कम माने तो जो k2 है इसकी वैल्यू आ जाती है रूट टू एम ई माइनस वी जीरो अपॉन में एस क्रॉस, और इसको मैं लिख सकता हूँ यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ वी जीरो माइनस ई करना चाहूँ क्योंकि मैंने इज लेस देन माना है, तो आई आयोटा कॉमन ले लूँगा, तो ये चेंज हो जाएगा, तो वी जीरो माइनस ई होगा अपॉन में एस क्रॉस, और अगर इस वाले हिस्से को मैं k2 बोल रहा हूँ तो इसको मैं आई k2 अगर मान लो, ऐसे ही जो साई सेकंड है इसके लिए जो सॉल्यूशन आ रहा है तो c एक्सपोनेंशियल माइनस k2 x प्लस d एक्सपोनेंशियल k2 x इक्वेशन 9 होगी। अब ये जो मेरे पास प्रतिबंध आ रहे हैं इनको ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी इक्वेशन 10 दे देते हैं, और अगर ऐसा है तो जो लास्ट में इक्वेशन आई है उनको हम अवकलन करके लिख सकते हैं। साई वन के लिए ये अवकलन लेता हूँ मैं, तो साई वन के लिए जो ये था a एक्सपोनेंशियल आई के वन एक्स, तो अगर x के रेफरेंस में लेंगे तो ये आई के वन ये अवकलन के रूप में आ जाएगा, ऐसे ही जो यहाँ था माइनस आई के वन एक्स, तो एक्स के रेफरेंस में लेंगे तो माइनस आई के वन आ जाएगा। ऐसे ही डेल साई के लिए ये जो माइनस के टू एक्स है जब एक्स के रेफरेंस में लेंगे तो माइनस के टू आगे आ जाएगा, और जो डी एक्सपोनेंशियल के टू एक्स था एक्स के रेफरेंस में लेंगे तो के टू आगे आ जाएगा। अब यहां से हमें अगर लिए जो डी साई वन है इन दोनों डी साई वन और साई टू जो फलन है इनके अवकलन एक दूसरे के समान होना चाहिए, तो यहाँ से हम इनको अगर कंपेयर करें तो ये ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं आई के वन, यहाँ से जो के वन एक्स है इसको हमने खत्म कर दिया है, तो आई के वन ए माइनस आई के वन बी इक्वल टू माइनस के टू सी प्लस के टू डी। अब यहाँ से आई के वन मैंने कॉमन लेके इसके अपर में डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन 11 आ जाती है मेरे पास। ऐसे ही जो सी एक्सपोनेंशियल माइनस के टू प्लस बी एक्सपोनेंशियल के टू ए इक्वल टू ई जीरो एक्सपोनेंशियल आई के वन इक्वेशन 12 आ जाती है।
अब जो इक्वेशन मेरी फोर थी, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो देखिए डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स के रेफरेंस में जब मैं इसको कर रहा हूं, तो ये आई के वन आगे आ जाएगा, ई जीरो एक्सपोनेंशियल आई के वन होगा। ऐसे ही जो साई सेकंड के लिए मेरे पास इक्वेशन आई थी, यदि मैं उसको अवकलन करता हूँ, तो ये ऐसे थी मेरे पास इक्वेशन, शी एक्सपोनेंशियल माइनस के टू ए। जब इसको एक्स के रेफरेंस में मैं कर रहा हूँ, तो ये माइनस के टू आगे आ जाएगा। ऐसे ही जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये, और देखिए ये मैंने किया है डेल साई अपॉन में ए के रेफरेंस में, इसलिए ये माइनस के टू आया है। और इसको भी ए के रेफरेंस में कर रहा हूँ अवकलन, तो ये के टू आया है। ऐसे ही इसको ए के रेफरेंस में करूँगा, यानी कि डेल साई अपॉन में डेल ए, तो ये आई के वन आ गया जाए। अब यहाँ से हम ये जो के टू है, इसको हम इधर से कॉमन लेके इसके अपॉन में डिवाइड कर देते हैं, और जो माइनस का चिन्ह है इसकी पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होगा सी एक्सपोनेंशियल माइनस के टू ए माइनस डी एक्सपोनेंशियल के टू ए इक्वल टू माइनस आई के वन अपॉन में के टू एक्सपोनेंशियल आई के वन ए। इक्वेशन मेरे पास 13 आ जाती है। और इक्वेशन जो 10 और 11 है, यदि इसको मैं सोल्व करूँ, तो सोल्व करने से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाती है हाफ सी वन माइनस के टू अपॉन में आई के वन प्लस डी वन प्लस के टू अपॉन में आई के वन, इक्वेशन 14 आ जाती है। ऐसे ही जब बी के लिए सोल्व करते हैं, तो हाफ सी वन प्लस के टू अपॉन में आई के वन प्लस डी वन माइनस के टू अपॉन में आई के वन, इक्वेशन 14 आ जाती है। और जो इक्वेशन 12 और 13 है, जब इनको हल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है, सी इक्वल टू हाफ ई जीरो एक्सपोनेंशियल के टू प्लस आई के वन इंटू ए वन माइनस आई के वन अपॉन में के टू। ऐसे ही डी के लिए हाफ ई जीरो एक्सपोनेंशियल आई के वन माइनस के टू ए वन प्लस आई के वन अपॉन में के टू, इक्वेशन 17 आ जाती है। अब जो इक्वेशन 17, 16 और 16 से जो मान आए हैं, उनको यदि मैं इक्वेशन 14 और 15 में रख दूं, तो ओवरऑल मेरे पास लास्ट इक्वेशन आ जाती है ए इक्वल टू ई जीरो बाई फोर आई के वन अपॉन में आई के वन डॉट के टू ब्रैकेट के वन प्लस आई के टू का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल के टू ए प्लस के टू प्लस आई के वन का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस के टू ए, इक्वेशन 18। ऐसे ही बी इक्वल टू ई जीरो बाई फोर आई के वन अपॉन में आई के वन डॉट के टू मजला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट के वन स्क्वायर प्लस के टू का स्क्वायर अपॉन में होल इसका ओवरऑल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल के टू ए माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टू ए, इक्वेशन 19 आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।